दोस्तों वन प्लस की तरफ से और एक नया स्मार्टफोन हम लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा जिसका नाम है वन प्लस 8T 5G। और दोस्तों इस फोन के कुछ स्पेक्स बाहर आ चुका है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले को लेकर बात करते हैं। इस फोन के अंदर हम लोग को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि अभी के समय ज्यादातर लोग गेम वगैरह खेलना पसंद करते हैं और गेम वगैरह के लिए प्रोसेसर अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर शायद हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। रैम और इंटरनल स्टोरेज के तौर पर यहाँ पर हम लोगों को दो तरह के वेरियंट देखने को मिल जाएगा, 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला एक वेरियंट और दूसरा वेरियंट जो है 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला दूसरा वेरियंट। और बैक साइड में हम लोगों को क्वाइट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहां पर 48 मेगापिक्सल हम लोगों को प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और 16 मेगापिक्सल हम लोगों को अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर। और इस फोन से हम लोग 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। और सामने की तरफ हम लोगों को पंसोल डिजाइन के साथ 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर बैटरी और चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा 4500 mAh की बैटरी के साथ 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा। और इस फोन के लॉन्च के बारे में जहां तक खबर मिल चुका है 14 अक्टूबर को ये फोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में, इसके अलावा और भी कई सारे कंट्री में लॉन्च होगा, बट इंडिया की अगर खास बात करें तो 14 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं आया है हम लोगों के सामने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर करते हुए कॉमेंट करके बताइए कि आपका क्या राय है इस फोन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।